स्टार प्लस के फेमस टीवी शो अनुपमा में अब तक हमने देखा कि अनुज और अनुपमा की शादी के बाद अनुज का परिवार अनुपमा के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसके चलते अनुपमा को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसे में जहां एक तरफ अनुपमा का जीना दुश्वार करने आ रही है अनुज की पहली पत्नी, वही दूसरी तरफ जेठानी घर में सेंध लगाने वाली है, जिसके चलते अनुपमा पर मुसीबतों का बड़ा पहाड़ टूटने का खतरा मंडराने वाला है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा नया बखेड़ा शो में शुरू होने वाला है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले आप हमारी इस दमदार वीडियो को लाइक जरूर करें। सीरियल अनुपमा में समय के साथ तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मेकर्स ने एक बार फिर से अनुपमा को घर गृहस्थी के झमेले में फंसा दिया है। ऐसे में अनुपमा की शादी होते ही पता नहीं कहां से अनुज का परिवार आ गया है, जो अनुपमा के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। फिर भी अनुपमा चुप है। हालांकि शो में अब तक हमने देखा कि अनुज का कजन अंकुश इनके साथ एक ही घर में रहने का फैसला करता है। ये बात जानकर अनुज और अनुपमा काफी खुश हो जाते हैं। हालांकि अनुज और अनुपमा की ये खुशी ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाली है, क्योंकि अनुज के भाई और भाभी बरखा की एक अलग ही खिचड़ी पक रही है, जो अनुज का घर और प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कपाड़िया परिवार में हो रहे ऐसे बवाल के बीच अब एक और नई मुसीबत आने वाली है। दरअसल जल्द ही अनुज और अनुपमा अनाथ बच्ची अनु को गोद ले लेंगे। इस दौरान अनु की मां अचानक अनुपमा के पास पहुंच जाएंगी और बताएंगी कि वो अनुज की पहली पत्नी है। ये बात जानकर अनुपमा के होश ही उड़ जाएंगे और अनुपमा को पता चलेगा कि अनु की कस्टडी लेने के लिए अनुज ने उससे शादी की है। इसी के साथ शो में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा के जेठानी बरखा घर में सेंध लगाएगी, हर एक चीज पर नजर रखेगी और जासूसी करेगी अनुज के पास कितनी प्रॉपर्टी और जायदाद है, और सही मौका मिलते ही बरखा और अंकुश उसका सब कुछ छीन लेंगे। वेल दोस्तों, इतनी मुश्किलें आने के बावजूद क्या अनुपमा अकेले इनका सामना कर पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।